हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त सैयद वकार अली शाह चिनोटी फर्नीचर की जानिब से। दोस्तों, आज आपको मैं इस सोफ़े की वीडियो बना के दिखा रहा हूं। ये मैंने कोरा सोफ़ा जो है बना के भेजा था, तो इसकी डैडी की पिक्चर मेरे पास ये वाली है, तो इसके साथ मैं आपके साथ और भी पिक्चर शेयर करूँगा। वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके सोफ़े का मैं आपको ढांचा दिखाऊँगा, ये किस क्वालिटी में बना हुआ है और इसके ऊपर जो पॉलिश की गई है वो कौन सी पॉलिश होगी, और इसके ऊपर कपड़ा यूज़ किया गया वो कौन सा कपड़ा यूज़ होगा, और इसका जो ढांचा है वो किस चीज़ से बना हुआ है, और इसके ऊपर जो लकड़ी है क्वालिटी उसकी क्या है वो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। चलें तो मैं आपको अभी सोफ़े के मुकम्मल बारे में डिटेल के साथ बताता हूँ। जी तो फ्रेंड, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये इसका जो ना कोरा का डिज़ाइन मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी पॉलिश नहीं हुआ। ये आप देख सकते हैं, इसकी जो लकड़ी है इसके ऊपर जो क्वालिटी यूज़ की गई है, लकड़ी टोटल वुड शीशम की लकड़ी के अंदर बना हुआ है। ये इसके ऊपर जो डिज़ाइनिंग की गई है, इसके ऊपर जो ताज बना हुआ है, ये हैंडमेड कार्विंग है। इसके ऊपर इसके आर्म जो हैं, इसके बाजू हैं, ये टोटल वुड शीशम की लकड़ी के अंदर है, हैंडमेड इसके ऊपर कार्विंग की गई है। तो इसमें ये जो सोफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 7 सीटर सोफ़ा हमने बनाया था। ये 1 सीट आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी इसकी 1 सीट है। तो इसके ऊपर जो फ़ोम की अगर बात करूँ तो इसमें मोल्टी का फ़ोम यूज़ किया जाएगा। कपड़ा शनील वेलवेट का, शंघाई का कपड़ा जो है ना वो हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं, और इसके ऊपर पॉलिश जो यूज़ करते हैं वो डिको पॉलिश चॉक पेंट यूज़ करते हैं, साथ गोल्डन में सिल्वर में इसके ऊपर पॉलिश की जा सकती है। अभी मैं इसकी और भी पिक्चर आपके साथ शेयर करता चलूँ। जी तो गाइस, ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास सोफ़े के जो हैं ढांचे ये रेडी हुए पड़े हैं। ये टोटल वुड की शीशम की लकड़ी के अंदर है, इसमें किसी किस्म का फाइबर या प्लास्टिक यूज़ नहीं है। इसके पाँव के ऊपर, इसके नीचे जो डिज़ाइनिंग की गई है, इसकी बैक पे जो गुलाई में डिज़ाइनिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये टोटल वुड शीशम की लकड़ी के अंदर हमारे पास ये सोफ़ा बनता है। अगर किसी भाई को ये बनवाना हो तो, ये किसी भाई को ये चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके इसकी मज़ीद पिक्चर भी ले सकते हैं और इसके बारे में डिटेल और भी ले सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, कितना प्यारा सोफ़े का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत है। ये इसके आगे की टेबल भी पड़ी हुई है, ये टोटल कुशन की गई है शनील वेलवेट कपड़े के अंदर। इसके अंदर हाफ वाइट वाइट कपड़ा यूज़ किया जा सकता है। ये गोल्डन डिको पेंट के अंदर हुआ पड़ा है। तो ये सामने 3 सीटर पड़ा हुआ है, इस साइड पे 1 सीटर है, 1 सीटर 2 साइड उस साइड पे पड़ा है। ये टोटल 7 सीटर सोफ़ा है। किसी भाई को 5 सीटर सोफ़ा भी चाहिए वो भी बन जाएगा। साथ इसके पीछे ही आप देख सकते हैं डिज़ाइनिंग हुई पड़ी है, मिरर वगैरह लगे हुए हैं, ये भी आपको बना के दे सकते हैं। ये आपको दिखाता चलूँ, ये सोफ़े का 2 सीटर का डिज़ाइन है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सोफ़ा है। ऐसी ही मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दी गई बेल आइकन को जरूर प्रेस करें हमारी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़। ये एक सोफ़ा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देखें, ये भी 5 सीटर सोफ़ा है, बहुत खूबसूरत सिंपल सा डिज़ाइन है। ये थोड़ा सा नॉर्मल प्राइस के अंदर है। तो अगर आपको किसी भाई को इसकी प्राइस पूछनी हो तो आप प्लीज़ मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके इसकी प्राइस पूछ सकते हैं। प्राइस वीडियो में इसलिए नहीं बताते कि जो है वीडियो में प्राइस बता दें तो फिर वीडियो जो पुरानी होती है तो उसमें कभी रेट बढ़ता है, तो फिर वो कस्टमर कहता है भाई उस वीडियो में तो आपने इतने का बताया, तो इसलिए फिर हम वीडियो में नहीं बता सकते। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दिया है, वहाँ पर आप रब्ता करके मज़ीद पिक भी ले सकते हैं सोफ़े की और प्राइस भी पूछ सकते हैं।